देखिए अभी माशाल्लाह सारे चूसे दाना खा रहे हैं। यार थोड़ी देर पहले जो है ना मैंने कालू को वहां पे बैठा हुआ देखा, वो कोने पे। अभी मैंने चश्मे नहीं पहने हुए, मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं दोबारा से ऐनक लगा के देखता हूँ। हमारा जो कालू है ना वो कल से कभी यहाँ पे बैठा होता है, कभी वो सामने वहां पे बैठा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह पे। अब मुझे समझ नहीं आ रही वो बेचारा कहाँ पे रात कहाँ गुजारता है, दिन कहाँ गुजारता है। अभी यार मैं नीचे बैठा हुआ था, मेरी अचानक से नजर पड़ी वो सामने जो है ना हमारा कालू जो है वो कोने पे बैठा हुआ था। तो मेरा थोड़ा सा आने में टाइम लगा लेकिन अभी वो मुझे नजर नहीं आ रहा। शायद वो पीछे हो गया या फिर वो उड़ के फिर कहीं चला गया, क्योंकि कल हमारा कालू उड़ा था और वो सामने जाके बैठ गया था। मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, उसके बाद वो वापस नहीं आया। मुझे लग रहा है कि शायद पूरा दिन यहाँ पे बैठा रहा है या पता नहीं अभी आके बैठा था। अभी यार वो मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं फिर से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह करे यार वो कहीं से वापस आ जाए। उसको अपना जो घर है ना वो भूल चुका है पूरी तरीके से। अगर उसको घर याद होता ना तो वो उस जगह पे, इस जगह पे ना बैठता, वो सीधा इस छत पे आ जाता। लेकिन पता नहीं यार कहाँ चला गया। उस वाले प्लॉट में कहीं पे वो रहना स्टार्ट हो गया। उसने अपना जो बसेरा है ना, जो अपना घर है, वो यहाँ पे कहीं बना लिया या फिर उस प्लॉट में बना लिया, क्योंकि उसका आना जाना यहाँ पे होता है फिर या फिर यहाँ पे होता है। तो उसका यही मतलब हो सकता है। पता नहीं उस सामने क्या बैठा हुआ है। वो देखें, वो ये हमारा कालू ही है, पक्का हमारा कालू ही बैठा हुआ है। आप गौर से देखें, कोने में बैठा हुआ है वो सामने। इतना बेवफा इंसान है, छत पे इसने इतना टाइम गुजारा है लेकिन फिर भी अभी तक वहाँ पे बैठा हुआ है और ये नीचे वापस नहीं आया। और मुझे टेंशन हो रही है कि पता नहीं ये खाता पीता क्या होगा, मतलब भूखा बेचारा रहता होगा या नीचे आके कुछ खाता होगा या फिर सुबह के टाइम इसी छत पे आके कुछ खा पी के चला जाता है। इसके बारे में अब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। अभी आप देख सकते हैं मगरिब का टाइम होने वाला है। आज आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि हम अपने सेटअप में न्यू कलरफुल चिक्स लाने वाले हैं। काफ़ी टाइम से मैं इस बारे में सोच रहा था और आज जो है ना मुझे टाइम मिला है। मैंने सोचा है अभी जाता हूँ और प्यारे प्यारे से चिक्स लेके आता हूँ। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगा। चिक्स ला के उनको रखेंगे अंदर, घर वगैरह उनका बनाएंगे, जो कुछ भी होगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी भी हो रही है, एक्साइटमेंट भी हो रही है। और यार इन चिक्स के साथ बंदा बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है, इनके साथ खेलता है, बहुत मज़ा आता है। पिजन्स है ना वो सारे अंदर बंद हैं, इनको मैंने अभी तक खोला नहीं है। इनको वापस आके मैं खोलूँगा। और रोमियो हीर को देखें यहाँ पर, पता नहीं क्या देख रही हैं अंदर। पिजन्स के साथ इनकी शायद दोस्ती होगी, उनको देखती रहती हैं। अच्छा आ जा, ये देखें हमारा रोमियो, माशाल्लाह देखे कितना बड़ा हो गया यार। कितना छोटा सा मैं लाया था इसको, मुझे यकीन नहीं आता कि हमारा जो रोमियो है इतना बड़ा हो चुका है। इतना छोटे छोटे से हम चूजे लाए थे कि ये सही तरह से तैर भी नहीं सकते थे। आप लोगों ने व्लॉग भी देखा होगा, उस टाइम मैंने व्लॉग भी बनाया था। और इसकी हीर जो है ना वो यहाँ पे होगी नीचे, वो देखें जरा, माशाल्लाह वो भी बहुत बड़ी होगी। और वो इससे ज़्यादा क्यूट है क्योंकि उसका कलर जो है ना वो बहुत प्यारा है, वाइट कलर है। अभी जो है ना मैं मास्टर केज में आया था, मैंने देखा इसकी जो डव की फीमेल है ना वो इधर बैठी हुई थी। मतलब अपनी इन्होंने फुल ब्रीडिंग पे ये तैयार हैं और मुझे लग रहा है कि शायद ये कुछ दिनों तक अंडा दे दे, क्योंकि इसकी जो फीमेल थी वो यहाँ पे बैठी हुई थी यार, यहाँ पे। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ शॉप पे और ये बैठे हुए हैं शॉप के ओनर। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, कैसे हो? तो यहाँ पे सारे बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं। अभी चूजे वो मुझे सामने नज़र आए हैं, वहाँ से हम देखते हैं कौन से वाले लेने हैं, कितने लेने हैं। बाकी यहाँ पे एक लव बर्ड का भी पैर रखा हुआ है, ये सामने देख सकते हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग गया मुझे। ये देखें ज़रा, और यहाँ पे सारे बजीज वगैरह हैं। ये ऊपर इस वाली ब्रीड का क्या नाम है? हेलीकॉप्टर पड़े हुए हैं, हेलीकॉप्टर पड़े हुए हैं, आम जो स्टेलियन पड़े हुए हैं, बजरी ये रजा ही है। अच्छा फिशर जो है ये फिशर, और ये स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी पिन। क्या नाम है इसका? शनवाज, शनवाज, शनवाज इसका नाम है। अच्छा इस वाली का नाम बताओ, ये जो पता नहीं कौन सी अजीब सी चीज़ है, ये मुझे लगता है आपने खुद ही पकड़ के कलर करके यहाँ पे रख दी है। आप लोग कमेंट्स करके बताओ इस ब्रीड का क्या नाम है, इनको भी नहीं पता है इसका। नीचे लकी पेयर है, माशाल्लाह बड़ा प्यारा है यार। इस लकी पेयर के कितने पैसे? इसका 2000 का पेयर है। 2000 का पेयर है, हमारे पास भी सेम टू सेम यही लकी पड़ा हुआ है। वुमेन। तो अभी यार हम ये जो छोटे चूजे हैं ना ये उठाते हैं, किसी केज में हमें डाल के देंगे और फिर हम घर में जाके इनके लिए सेटअप रेडी करते हैं। तो ये जो नीचे है ना डाल के दे दो, सारे पिंकी ना डालो, डिफरेंट कलर डालने। तो यार अभी जो है ना किसी बॉक्स के अंदर डालेंगे। सो गाइज माशाल्लाह से हमारे न्यू चिक्स आ चुके हैं
और हमारी मुर्गी यहाँ पे घूम रही है। मुर्गी के पास इनको छोड़ के ना इनका रिएक्शन देखते हैं कि मुर्गी इनको कुछ बोलती है या नहीं। इन क्यूट चिक्स को मैं एक एक करके बाहर निकाल देता हूँ और इनकी यार हमने पूरी केयर करनी है इंशाल्लाह, अपने पास इनको बड़ा भी करना है। भाग गया चूजा, इधर 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 भाग गया। इस वाले को मैं निकालता हूँ। अबे साले इधर इधर चल। ये देखिए माशाल्लाह, ये पिंक वाला बहुत क्यूट है और इसको भी यहाँ पे छोड़ देता हूँ। बाकी सबको भी निकालते हैं एक एक करके। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं यार। मुझे लगता है शायद उसने 8 चूज़े दे दिए हमें। मैं 10 लेने गया था लेकिन उसने 8 ही चूज़े दिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यार ये क्या हो गया हमारे साथ। 8 चूज़े दे दिए उसने। लाते टाइम मैंने इनको गिना नहीं था, मैंने बोला कि शायद 10 ही होंगे, लेकिन उसने 8 चूज़े उठा के दे दिए। अभी मुर्गी जो है ना इनके पास आ रही है और इनका एक छोटा सा जो भाई है ना दोस्त, जिसके अभी इसके साथ दोस्ती होगी हुई नहीं है, वो भी इनके पास आ रहा है। वो देखें हमारा जो सील चूज़ है ना वो इनके पास आ रहा है। इसके नए दोस्त आ गए, अभी भाग गया। ये देखें ज़रा, हमारी फीमेल क्रेट के अंदर बैठी हुई थी, ये मेल भी अंदर बैठा है। ये वाला मेल है, पता नहीं फीमेल है, ये भी बैठी हुई है ऊपर, ये मेल बैठा हुआ है यहाँ पे। मतलब सब पिजन्स जो है ना वो क्रेट के अंदर बैठ रहे हैं। अब पता नहीं इस जोड़े ने यार अंडे नहीं दिए तो नहीं दिए यार, पता नहीं क्या सीन है इनका। अंडे क्यों नहीं दे रहे यार तुम लोग, क्यों नहीं दे रहे, मार खाओगे मुझसे। और ये देखे माशाल्लाह लकी पेयर को, जाओ यार इनको भी सबको बाहर निकालता हूँ ताकि ये भी चूज़ों को देख लें और इनकी चूज़ों के साथ दोस्ती हो जाए। लकी ब्राउन वाला जो है ना यहाँ पे कोने पे छुप के बैठा हुआ है, इसको मैं खुद बाहर निकालता हूँ अपने हाथों से। जाओ 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 जाओ, सारे पिजन्स बाहर निकल चुके हैं। सारे तो निकले, खैर थोड़े से ही निकले, बाकी चूज़े वो सामने हैं वहाँ पे। अभी आपने मुझे उनका नाम बताना है, हम इनका क्या नाम वगैरह रखें, कि गैंग का जो है ना कोई नाम रखते हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताएं मुझे। इस चूजे को भी यहाँ पे लेके जाते हैं ताकि ये दोस्ती कर लें। यहाँ से यार मैं दाना निकाल देता हूँ। गजनी है ना वो देख रहा है दाने को, मेरे हाथ पे ये दाना खाता होता है। अभी देखें, ये देखें मेरे हाथ पे ये खाता है। लेकिन अभी मैं बाहर उनको डाल दूं पहले, फिर इसकी तरफ आता हूँ। इसका दोस्त तो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो ऊपर नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा वो तो। आओ चूजों दाना खा लो। ये देखिए कैसे भाग के जा रहे हैं दाने को। यार दाना खाओ, तुम लोगों के लिए दाना लाया हूँ। पता नहीं इनको शायद दाना पसंद नहीं आया, यहाँ से मट्टी वट्टी कुछ खा रहे हैं। यहाँ देखें, ये देखें इधरा इधरा, माशाल्लाह यार हैं भी काफ़ी बड़े बड़े, इनके पर भी निकले हुए हैं। ये चेक करें, छोटे छोटे इनके पर निकले हुए हैं, कलमे जैसे बोलते हैं ना वो। चलें एक मुर्गी के पास मैं लेके जाता हूँ और देखता हूँ कि मुर्गी इसको क्या करती है, अडॉप्ट करती है या नहीं। अभी नहीं नहीं मारना नहीं मारना नहीं मारना नहीं, मारने वाला मजाक, मारने वाला मजाक नहीं है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर इसको कुछ बोला तो। ये देखें कैसे देख रहे हैं ऐसे, ये देखें देखें बोल रहे हैं कि दोस्त बना लूं या नहीं, तुम्हें बना लो बना लो, बहुत अच्छा लड़का हूं मैं। ऐसे इधर आओ जल्दी करो, आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो वो सामने देखो, आपके लिए सरप्राइज है। ये चेक करो चूजे कैसे हैं, ठीक हैं। ये देखें जरा, इनको पकड़ना स्टार्ट कर देगी, पकड़ना नहीं अच्छा, ये मर जाते हैं इस तरह से, ठीक है ना, पकड़ना नहीं है इनको। हाँ यार काफ़ी मस्तियाँ कर ली इनके साथ, काफ़ी खेल लिया। अभी इनके लिए घर बनाने का मैंने सोचा है, तो घर जो है ना फिलहाल जो घर है इनका वो यही होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए इनका जो घर है ये वाला होगा, गजनी के घर के साथ ये रहेंगे यहीं पे। लेकिन इसके बाद जो है ना, मतलब कुछ टाइम बाद मैं इनके लिए एक नया घर बनाऊंगा और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कौन सा घर बनाना है, क्या घर बनाना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अभी मैं ऐसा करता हूँ, एक एक करके ना सबको लाता हूँ और इस घर के अंदर बंद कर देता हूँ। जी नहीं मरते, नहीं मरते, यार ये येलो वाला चूजा बहुत ज्यादा क्यूट है, पता नहीं इसका कलर बहुत प्यारा है, शायद इसी वजह से बहुत क्यूट है ये चूजा। अभी मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ। दो चूजे यहाँ पे दाना खाने में लग गए हैं और ये भी जा रहे हैं अभी उसके पास। इधर आओ, जाओ दाना खाओ, तुम भी खाओ। देखिए कितने मजे से ये दाना खा रहे हैं, कोई इनको टेंशन ही नहीं है, कोई कौवा बिल्ली कुछ आ जाएगा इनको कोई फिक्र नहीं होती। ये देखिए अभी माशाल्लाह सारे चूजे दाना खा रहे हैं, इनको मैं दाना खाने देता हूँ। पिजेंट्स जो है ना वो सारे वहाँ पे, ये अभी दाना नहीं खाएंगे क्योंकि अंदर मैंने बहुत ज़्यादा गंदम डाली हुई थी, इसी वजह से जो है ना ये इसी तरह से बैठे हुए हैं, जैसे क्या बोलते होते हैं ना, थके हुए, सुस्त हो गए, बहुत ज़्यादा ये सुस्त हो गए हैं इनके घर में। दो चूजे ऐसा भी लेके आ गई थे, दो यहाँ पे दे दो मुझे। ये देखें माशाल्लाह दो चूजे येलो हैं, दो ग्रीन हैं, दो पिंक हैं और एक हमारे पास मल्टी कलर का, दो मल्टी चूजे हैं।
काफी टाइम से मैंने सोचा हुआ था चूजे लेके आने और आज जो है ना हमारे चूजे आ चुके हैं और इनकी हमने पूरी केयर करनी है, इनको संभालना है, बड़ा करना है अपने छत पे। यार जिस तरह पहले हमारे साथ हुआ था ना, हम वैसा काम नहीं करेंगे। हमारे पास बिल्ली ने हमला कर दिया था सारे चूजों पे और उनको बिल्ली खा गई थी। इस दफा जो इंशाल्लाह बिल्ली नहीं खाएगी क्योंकि इनके लिए प्रॉपर सेफ जगह है अभी। और एक और घर में इनके लिए बनाऊंगा बहुत प्यारा सा, वहां पे ये रहेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ। अच्छा देखिए पिजन्स को उड़ा रही है, नहीं करो यार। ये देखिए शिराजी कबूतर उड़ने लग गए हैं पहले से। अच्छा अभी और ये एक शिराजी ऊपर बैठा हुआ है माशाल्लाह, चेक करें कितने ये क्यूट हो गए, कितने प्यारे हो गए। इनके जो पर है ना ब्लैक वाले और बढ़ते जा रहे हैं पहले से, और ब्राउन वाले शिराजी देखें जरा वो अभी अंदर जा रहे हैं। तो यार मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी खुशी हो रही है और आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं चला अगली वीडियो में, नौ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।